शंकर जी बैठे थे ऐसे चौतरा पर, सप्तऋषि आए सो बगल में बैठ गए, जा कही के कहा गए थे कहा भाव कहानी कुछ नहीं बताई। सो तना देर बाद शंकर जी ने पूछी के तुम हमने तो पहुंचाओ तो पार्वती की परीक्षा लेवे, सो का भाव होते है? सो सप्तऋषि अकन धक के लगे लगो ना रही। शंकर जी के लगे कौन की? अरे अब सप्तऋषि के लगे तुमने पहुंचा तो देखो तुम आई आ रही हो जो कौन किया है। अरे शंकर जी बोले तुम लोगों ने दिमाग खराब कर दिया यार। सो सप्तऋषि के लगे काहे दिमाग खराब, तुम्हारा काहे में होगा बताओ कब आ रही लगो ना। सप्तऋषि के लगे आधी गली में है। और शंकर जी करे तुमने हमें बता ही नहीं रहे। सो सप्तऋषि के लगे कर का ले आओ, अगर बताई दे सो का कर ले आओ। अरे शंकर जी के लगे चार आदमी दोरे में आउट है तो कुछ व्यवस्था बनाना पड़त है। सो सप्तऋषि के लगे दोरो तो होए, व्यवस्था तो तुम चोगनी बना लीजो मनो दोरो तो सोई हो जहां व्यवस्था बने, दोरो है ही नहीं। अरे शंकर जी के लगे घर के गृहस्थी के बहुत काम रहते हैं, घर की व्यवस्थाएं देखने पड़त है। सो सप्तऋषि के लगे है घर व्यवस्थाएं तुम देखो का मग वाले पुआ हो का कर हो के पीपर को पेड़ो ले पुआ उठो का करन्या हो। अरे शंकर जी कहले के वो तुम लोगों ने चित्त खराब कर दिया, बताया नहीं, और ये कहां चला गया नंदी? नंदी हते नहीं, सप्तऋषि तो नाम हो गए मां से नंदी आ गए। अरे वो तो जल्दी चले आओ, नंदी लगाया आ गए क्या है कहां गए थे? नंदी कहले के नहीं कहूं कहां जे हैं, वो तो चूल्हे पे बैठे थे। अब कैलाश पर तो कहां कछु तो बजा लिया है। सो नंदी कहले के छोले के बैठे थे। अच्छा तो नंदी ये बताओ लगुन के बारे में तुम क्या जानते हो? सो नंदी के लगे बारो और खेत तो ठीक है, तुम पहले हमें जा बताओ कि आ कौन की रही लगुन, आ कौन की रही? शंकर जी ने कहा हे नंदी तुम्हारा पूरो पन नहीं सके, तीसरो ते को है नैया तो लगुन फिर अपनी आ रही। आओ नंदी भी के लगे तो सुनो हम आओ पूरो परे चाहे बिल्कुल नहीं परे, हमें जा बताओ जी ने तुम आओ कौन नहीं पार दो, हम आओ परे और बिल्कुल नहीं बोले तुम आओ कौन नहीं पार दो, वो तो बताओ का आंखें हतीम संसार में लड़का नहीं बचे। शंकर जी के लगे क्यों? तो नंदी के लगे सांची बोल गयो। शंकर जी के लगे का? तो कह लगे सत्य बताओ देख भी कुआओ तो कुआओ तो देख भी। शंकर जी के लगे देख भी कोई नहीं आओ, फोन ही फोन पे पक्की भाई है। नंदी कहने लगे जब तो हो आ गई कौन देख भी आ जाते तो क्या तो ना ऐसे ने लौटते उन्ना फिर कब उन्हें लौटते। अरे शंकर जी बोले तुम ये बातें छोड़ो, तुम तो ये बताओ कि लगुन के बारे में तुम क्या जानते हो? सो नंदी कहने लगे देखो पिताजी ऐसो है पहले की बात अलग है लगुन की, अबे की बात अलग है। पहले लगुन में खवास भैया और पंडित जी दो जने जाते और लगुन को सुतकरा दे आते, सुख साके से ब्याह होते। अब तो लगुन में लगभग ऐसे आदमी जान लगे के लगभग 250 आदमी जान लगे लगुन में, का जरूरत है काय खंडो देव भी अटकर को का गद बदे दाए हो, हम करे के कौन के काय चल रहे के कुछ काम ही नहीं है, फ्री बैठे बिल्कुल पंगत ही को फिर रहे। अरे तुम जा तो सोचो यार दद्दा के का जरूरत आ है। अरे दो दस आदमी अच्छे लगत है, जी जा फूफा मम्मा काका मोहल्ला के दो जने खास इतने चले जा अच्छा लगत है, ब्याह बारात आए फिर समय आए तो सब जने चले भी। अब पता चली के 250 कोपरा पूरा सामान है, वो आंगन में आदमी नहीं बन रहा है काय को दाएं गत बदे होते। अरे देखो फायदा रहता है, ओली में आदमी जान लगी, ओली में ऐसा हो तो कहे दूल्हा की बहन बहनोई मम्मा फूफा एक दादा जेठ कक्का चाचा ऐसे चले गए अपने ओली भरे आए सगुन हो गए ये तो बहुत हो तो। अब ओली में भी 100 आदमी जान लगे, मोड़ी के पिताजी भी होशियार हो गए। पहले जब ओली में जाते आदमी सो पता है का हो तो ये कई बेर कहते के ओली में चल रहे आदमी तजार हो जाते, कोई ने पूछी का है किन लगे थे कर हैं कब फालतू फिर हैं ओली में जा रहे हैं, एक नंबर के भोजन हुई और आन लगे सो 500 को चित्त टीका हुचे दिन भर कर हैं का मनो समय बदल गओ। अब जान लगे 100 आदमी
सो बिटिया को पिताजी और इतनो होशियार, पहले वो जा सोच रहा हो तो कर, पहले वो जा सोच रहा हो तो कम 20 आदमी यहां है तो 500 को लिफाफा में रख दे। उने गिने सो भी हती 250, सो तुरंत उने लिफाफा के 500 निकाले और 324 को ओ में उने फसाओ और लिफाफा पे लगा दई गोंद कि इते तो फटे ही नहीं। हाओ अब जे खड़े हो टीका को लीजिए, अब जे लिफाफा के प्राण लाए कि को जाने कितने को है इनको, ऐसे मतलब नहीं कि का है का नहीं है, वो तो को जाने कितने को धरो ये में। सो बगल वाले से कह लगे आओ अपन थोड़ा यहां टहल आए, टहल भी महल भी नहीं जानो उस लिफाफा है पटाऊं जाके आओ उते गए। सो तन्ना कोट में भाई ठाणी माए तो धारा दे ओ में हतो 200, इनने सोची बताओ यार 200-300 को काम करते सो भोगाओ ये में 20 को धरो। दूसरी बेर इनसे कोई न कह के लागो ने चल रहा है देखने लगे नो घर आई अच्छे 3 घंटा टेंशन बनी 20 को लूटने करो। भाव की बात है तो पहले जो लगन जाती खवास भैया जाते अपने पंडित जी जाते मान पान से लगन होती। सो नंदी कह लगे मनो पिताजी पहले की बातें अलग हती अब की बातें अलग हैं, पहले लगन में सीधे भोजन हो जाते, अब नाश्ते ना परत पहले और नाश्ता तना गराव होए प्लेट जो रहे थे नाश्ता की तना गराई होए प्लेट से पंगत को पता पड़ जाता कि जब प्लेट ऐसी है तो पंगत ऐसी हो जाए। जैसे नाश्ता की प्लेट अच्छी हो उसमें अच्छी एक अच्छी मुस्कियानी सी बर्फी धरी हो, अच्छी एक बर्फी हो, दो प्रकार के हो बिस्कुट आम कटो रखो और कटी धरी हो, अच्छो गुजराती नमकीन हो, तन्ना कुएं में काजू किशमिश, जान जज्जो के पंगत में पनीर है, पक्की मानी पंगत में पनीर बनो है और नमकीन पूरी अलग है, दही बड़ा अलग है चटनी के संग, ये नाश्ता की प्लेट से पता पड़ जाता। और कुंबई नाश्ता की प्लेट वो में अद मारो सो धर बता रहा है आज मारो सुधर हुए पपीता और आज मरे के काल ने हाथ में आ रहा हो ने प्लेट में समा रहा हो। तीन कलर की हुई बर्फी वो नमकीन जितना आओ तो उतना ही से नहीं बिको, और जान जज्जो के सब्जी में आलू नहीं है तो शंकर जी से नंदी कहने लगे जी आनंद की बात है। शंकर जी कह लगे के सो बताओ का करने, तो नंदी कह लगे पिताजी तन प्लेट तो नगर आई हुए। शंकर जी कह लगे हम पहले ही ले आए का सामान कहां से बाजार गए थे। नंदी कह लगे तुम और बाजार ले आए का ऐसे हो जो तो है ही नहीं कछु दुकानदार को का दाओ। शंकर जी कह लगे उन लई नहीं है, अब कहने लगो आपसे क्या ले तुमसे काले में उन्हें पैसा लाई नहीं है। सो नंदी ने सोची के पिताजी को बजन है कौन भी लाए का कर ले आए। शंकर जी कह लगे कछु रसगुल्ला है कछु अंगूर है। अरे नंदी बोले भाया रसगुल्ला तो मिठाई को राजा अंगूर फलों के राजा अच्छो लगा था। सो नंदी कह लगे धरे कहाँ है। शंकर जी कह लगे भीतर। नंदी कह लगे भीतर हमें अभी बता दीजिए न पाई पाने आ जाए हम भीतर ढूंढत फिर भीतर अभी बता दीजिए। सो शंकर जी कह लगे वो मगबा है वो के नीचे बोरे जठाड़ो है वो तो एक बड़ो पथरा धरो है वो के नीचे थैला धरो है वो में वो सामान धरो है तुम समय आए तो उठा लीजो। नंदी कह लगे ठीक है और का तैयारी करनी। सो नंदी कह लगे कि कछु हमें पैसा दे दीजिए मैं धरबे आप कितने दस्तूर तो चुके हैं का तो तुमसे मांग है। शंकर जी कह लगे खट्टो सीधो फोन पे नगद को कोई काम नहीं व्यवस्था एक नंबर की। तो नंदी कहने लगे कछु तो दे देने छाल में छाल कर भी। अरे शंकर जी कहने लगे हल्ला न कर हे नन्या एक रुपया तो है ना कितने देवता शंकर जी रे कैसे भगवान भोलेनाथ एक रुपया नहीं लगो ना रहे। एक आदमी कह लोगो काय शंकर जी तुम्हें कछु की चिंता काय नन्या। शंकर जी कहने लगे जब कछु है ही नहीं है
चिंता वो की होए जे के कछु होए। अब जे के कछु है ही नहीं ना ओखो काय की चिंता है। घर है नन्या के बज्जा कोन ले जे, जेवर है नन्या के कोन उठा ले जे। ओ घर आई नन्या सो और तो कछु बात आई नन्या चिंता ही नन्या सो तो पिताजी फरिया सो करियो के तने लाइट वारों को फोन लगा दीजो लाइट नहीं जावे। शंकर जी के लगे को लाइट चली गई तो फिर हम रहे के बे नंदी ने जाने कही के खम मंगड़ वाले खम है ही नहीं है जे करे लाइट नहीं जावे जे भी अबे शंकर के तो आए जैसे नंदी जैसे शंकर जी लगन भी आबो चालू हो। शंकर जी के लगे के और बताओ नंदी और काका करने। नंदी के लगे कुछ नहीं करी तुम कुछ करने आए तुम तो सफल लिजो अकेले तुम कुछ न करी आंखे मन ने मूछ गयो न पंडित जी घेरा फिर तुम आंखे मूछ के बैठ जाओ। पूरे दिन तक जारी भाई एक रुपया खर्च नहीं हो शंकर जी को पूरे दिन तक जारी करी एक रुपया खर्च नहीं हो। शाम को चली लगो पंडित जी और अपने कबास भाई दो जन जाते ही थे पहले मर्यादा आए थी समाज की शोभा माने जाते जी दो जन भाई ब्राह्मण को सब अपनो भाग्य यजमान सौंपते है अपने जो खबास भैया रहते बड़े अनुभवी माने जाते उनको उनकी सलाह से पूरी समाज चलती उनके अनुभव से बे सब बताते कि कौन लड़का योग्य है कौन नहीं है समाज की शोभा थी और अनुभव भी बहुत रहते पंडित जी को भी खबास भैया को भी बहुत अनुभव रहते। सो दो जने चले लगन लेके सो दिन भरने गई दिन डूब गयो घर आऊ ने सु पहाड़ में घुस गए। अब पहाड़ में नहीं सु आठ बज गए अब लग गए यारो सुने पंडित जी को खबास भज्जा दिखाए ने खबास भज्जा को पंडित जी दिखाए निगे दो जने बतिया वो बड़ा गाओ। अब दिन भर दो जने संग सु जितो बतियाना तो पूरा बतिया लो वो बड़ा गाओ सुसना का खिंच गाओ कबो महाराज ठर्री में घले सुखे में अरे यार ऐसी निगत निगत 12 बज गए। पंडित जी के लगे जा ही नहीं रहे कहा जाने कहा मोड़ी को ब्याह पक्को करके धर दाओ गली तक नहीं। खबास भज्जा कहने लगी सु दद्दा उनके गली का आए खो रहे है हिमाचल को दमा दे आए हेलीकॉप्टर हुज खुद को आ रहा ने मतरा उनको गली को करने का है बड़े याद। पंडित जी के लगे अब बच गई बातों लगो ना पंत सुबह निग भी यार सो दो जने एक जगह बैठ गए। पंडित जी तो सो गए। अब जन जी भज्जे संगे हते इनको नींद नहीं आ रही थी इनको देखा गया एक चौतरा उते भर रही थी आगी जे के लेके गुरुजी गुरुजी पंडित जी के लेके आके लगे अपन आइया गए काय मो कोणो भर रहो। तो पंडित जी के लगे तुम पूछे आओ सो जे गए पूछवे राम राम उते बैठे थे शंकर जी। शंकर जी ने सोची अरे यार कोनो राम राम कर रहा है कोनो भगवान को भक्त है राम राम कहां से आए भैया हिमालय से। और शंकर जी कहने लगे पांव नहीं आए रिश्तेदार यहां आने लगे कहां से आ रहा है भैया हिमालय से कहां जा रहा है कैलाश। शंकर जी कहने लगे आइए गए जे कहने लगे वो तो हमें भी पता है कि हम लोग आ गए हैं लेकिन हमें ये पता नहीं है कि वो शंकर जी का घर कहाँ है। शंकर जी कहने लगे सामने के ठाड़े जो, जो, जो अब जे घेरा हूं देखे क्या घर नहीं दिखा रहा इन्हें सोची हुज्जे तना सो बगल मगल में हुज्जे क्या तना जीजा जी खुटेर दे कौन जीजा हमारे कुमार साहब कौन तुम्हारे कुमार साहब श्री श्री एक लाख आठ शंकर जी। शंकर जी कहे हम यहां सुनाओ और ये कहने लगे भट्ट गांव ठीक नहीं है जब तक बाबा जी हरे ऐसे हैं गांव कैसे हो जाए। अब दो बज रहा रात के सुबह भी अपने हिसाब से आई और कहा अपने अपने अंदाज है तो देखो तुम 12 बजे शाम को 6 बजे के बाद कहने लगी कौन मैं देखो तुम तमाम से प्राण निकले मोहमरों की तरह का कहने लगे गुरु गम भूल जात इनने सूची यार के बताओ जो तो माहौल लेते कोई सही है। सो जी लौटे आए पंडित जी के लगा
कहे भैया का कह रहा है, कह लगे नया कछुते के याद में खंबूल भी कोट करने जा भी बाबा जी करे हम ही संग कर दिया घर आई टाणे घर है ही नहीं है।